नमस्ते सर जी। तो जी आज हम लोगों ने सोचा था कि कीनोट एड्रेस में सर्वशुभ के लिए अर्थशास्त्र, इस पर बात रखेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले जो मौलिक बातें हैं जो अर्थशास्त्र में शामिल होना जरूरी है, उस पर हम लोग थोड़ी बात रखते हैं। तो जो हम लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किए, अपने आप में एक्सप्लोर किया, मीटिंग्स में डिस्कस किया, उससे कुछ बातें अपने को स्पष्ट रूप से ध्यान में आई हैं। जैसे मानव शरीर मात्र नहीं है, मानव शरीर और मैं दोनों का सहअस्तित्व है, और मैं और शरीर ये दो अलग अलग इकाइयां हैं। इनकी आवश्यकता अलग है, इनकी क्रियाएं अलग है, इनका रिस्पॉन्स अलग है। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो मानव का मैं और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में समझना बहुत आवश्यक है। तभी हमें समझ में आता है कि मानव की कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो निरंतर बनी रहती हैं, कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो सामयिक हैं और उनकी एक सीमा भी होती है, कुछ आवश्यकताएं जो गुणात्मक हैं, कुछ आवश्यकताएं जो मात्रात्मक हैं। ये बात अगर हमको स्पष्ट हो तब हम मानव की आवश्यकता को ठीक से ही परिभाषित कर पाते हैं, और फिर उसके लिए हम उत्पादन की योजना बना पाते हैं, उसके लिए विनिमय की योजना बना पाते हैं, उसके लिए आगे समाज की व्यवस्था कैसे बनेगी इसको बना पाते हैं। तो अभी अगर हमें ये मानव मय और शरीर के अस्तित्व के रूप में स्पष्ट ना हो तो अभी हमारा जो सुख का स्रोत होता है वो निश्चित नहीं रहता। तो सामान्य रूप से देखें तो अभी हम दो तरह से सुखी होने में लगे हुए हैं। एक तो शरीर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए, और उस अनुकूल संवेदना के लिए हमें सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। तो एक तरह का स्रोत है सेंसेशन, और PF जो लिखा उसका मतलब फिजिकल फैसिलिटी, सुविधा। तो हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे जो संवेदना मिलती है उसको हम सुख मान लेते हैं, और उस सुख को पाने के लिए हम सतत प्रयास कर रहे होते हैं, और इस सुख को बनाए रखने के लिए हमें और सुविधा की आवश्यकता लगती है। तो हमें दिखाई देगा अगर हम मानव को मैं और शरीर के सहस्तित्व रूप में देख पाते हैं और सुख के स्रोत को ठीक से समझ पाते हैं, तो हमें दिखाई देगा कि जो भी संवेदना से मिलने वाला है वो सामयिक है, उससे जो भी सुख मिलने वाला है और उसमें शरीर पर निर्भरता है, उसमें दूसरी भौतिक रासायनिक वस्तु पर भी निर्भरता है, और इसका कोई निश्चित तृप्ति बिंदु नहीं है, इसमें निरंतरता भी नहीं हो सकती। तो ये एक सीमा दिखाई देती है। अगर उसको ही हम और फैला के देखते हैं तो हमें दिखता है कि जो भी हम सुविधा का प्रयोग करते हैं वो शुरू में हमें आवश्यक लगता है और रुचिकर भी लगता है, फिर भी अगर हम उसका प्रयोग करते जाएं तो एक समय के बाद वो अनावश्यक हो जाता है, भले उसकी रुचि मिल रही होती है। उसके बाद देखें तो हमारे लिए अरुचिकर हो जाता है, अनावश्यक तो पहले से ही था, और कुछ समय बाद असहनीय हो जाता है। तो ये क्रम दिखाई देता है सुविधा के बारे में। इनफैक्ट कुछ मिलता जुलता इसमें जो करेंट इकोनॉमिक्स है उसमें ये बात रखी गई है, अर्थशास्त्र में बात रखी गई है, जिसमें हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि जैसे जैसे हम सुविधा का उपभोग करते जाते हैं उसका जो रिटर्न मिलता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो कुछ बात तो वहां समान रूप से रखी गई है, परंतु हम हाँ वहां ये बात स्थापित नहीं कर पाते कि अल्टीमेटली सुख का स्रोत क्या होगा। ये डिमिनिशिंग रिटर्न सुविधा से मिल रहा है ये तो दिखाई देता है, बट जो हमें कंटिन्यूअस चाहिए उसका स्रोत क्या होगा ये दिखाई नहीं देता। इकोनॉमिक्स में अभी हम इस बात को नहीं देख पाते हैं अल्टीमेटली कि जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस है उसका सोर्स क्या होगा। तो सुख के स्रोत के रूप में देखें तो एक स्रोत ये अभी लगता है जो सुविधा और सुविधा से मिलने वाली संवेदना है जो हमें शरीर के माध्यम से मिलती है, बट इसमें ये सीमा दिखाई देती है कि निरंतरता नहीं है, निश्चितता नहीं है, निर्भरता है, तृप्ति बिंदु नहीं है। अगर हम दूसरों से कोई अनुकूल भाव पाकर सुखी होने जाएं वहां भी यही स्थिति दिखाई देती है कि दूसरे से हमें ध्यान पाना है, दूसरे से हमें प्रशंसा पानी है, उसका ध्यान अपनी ओर खींचना है। ऐसा करने के लिए हमको बहुत सारे जुगाड़ करना पड़ता है, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, और वो जो मिलता भी है दूसरे से ध्यान पाकर उसमें कोई न तो निरंतरता होती है, न निश्चितता होती है, न तृप्ति बिंदु होता है, और निर्भरता बनी रहती है। और ये दूसरे से ध्यान पाने के लिए भी हमको लगता है सुविधाओं की आवश्यकता है ना, हमें शरीर का रंग रोहन करते रहना है, हमें ढेर सारी सुविधाएं बटोरनी है, क्योंकि उन्हीं सुविधाओं से हमको लगता है कि दूसरा मेरी ओर ध्यान देगा। तो फिर वो सुविधा की जो आवश्यकता हमें ठीक ठीक कभी स्पष्ट नहीं होती, और लगता है जैसे कि सुविधा की आवश्यकता असीम बनी हुई है। तो अभी ये दो प्रचलित स्रोत दिखाई देते हैं समाज में, और यदि हम ना समझें तो इन्हीं दोनों स्रोतों में ही हम पूरे इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने जाते हैं कि कैसे हम अधिक से अधिक अनुकूल संवेदना ले लें, कैसे हम अधिक से अधिक दूसरे का ध्यान अपनी ओर खींच लें, और हमारी पूरी इंडस्ट्री, पूरी इकोनॉमी इधर शिफ्ट होने लगती है ना।
परंतु यदि हमें स्वयं में जांच परख करने का अवसर मिले और हम अपने आप में बारीकी से ऑब्जर्व करें, तो हमें दिखाई देता है कि दूसरे से अनुकूल भाव पाकर जो मैं सुखी होने की योजना बनाता हूँ, उसमें निरंतरता तो हो ही नहीं सकती। तो निरंतरता कब हो सकती है? जब वो सही भाव मेरे अंदर स्थापित हो जाए, जैसे विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, ये भाव मेरे अंदर स्थापित हो जाए, ममता है, वात्सल्य है। एक बार ये भाव मेरे अंदर स्थापित रहता है तो इसका सुख मुझे मिलता रहता है, उसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, और इसमें एक निश्चित तृप्ति बिंदु भी दिखाई देता है, क्योंकि ये मेरी ही अपनी क्रियाओं की पूर्णता के अर्थ में ये भाव हमें दिखाई देते हैं। तो मैं स्वयं में व्यवस्थित रहता हूँ और दूसरे के साथ भी व्यवस्थित होकर जीता हूँ। तो जहां मैं अभी दूसरों का ध्यान खींच कर दूसरों से प्रशंसा पाकर सुखी होने में लगा हुआ था और उसके लिए मैं परेशान था, उसके स्थान पर मेरे अंदर सही भाव जब स्थापित होता है तो दूसरे के व्यवहार को देखकर मैं दूसरे का सही मूल्यांकन कर पाता हूँ और दूसरे के सुख के अर्थ में योजना कार्यक्रम बना पाता हूँ, और उसी के उभय सुख उभय समृद्धि के अर्थ में फिर मैं सुविधाओं का भी चयन कर पाता हूँ, सुविधाओं का उत्पादन कर पाता हूँ, सुविधाओं का विनिमय करता हूँ। और ये जो दिखता है मुझे कि जो सही भाव है वो भी मुझ में जो स्थापित होता है सही समझ के आधार पर होता है। तो सही समझना का मतलब कि मुझे स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था समझ में आए, स्वयं की व्यवस्था समझ में आए, शरीर के साथ व्यवस्था समझ में आए, दूसरे के साथ जो मैं संबंध में जी रहा हूँ परिवार में वो मुझे व्यवस्था समझ में आए, समाज की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था, पूरे अस्तित्व की व्यवस्था मुझे समझ में आए। तो जब मैं इस दिशा में प्रयास करता हूँ तो मेरे अंदर सही भाव स्थापित होते हैं और इसमें भी मुझे तृप्ति बिंदु दिखाई देता है। जैसे ही मेरे हायर लेवल एक्टिविटीज अवेकन होते हैं, जागृत होते हैं, उसका मुझे सुख मिलता है। ये जो भगदड़ थी, ये जो सुख के लिए मैं बाहर भाग रहा था, उसके स्थान पर सुख मुझे स्वभाव के रूप में दिखाई देता है। उन क्रियाओं के जागृत होने से ही मेरा सुख बना रहता है, होने से ही मेरा सुख बना रहता है, और उसमें निरंतरता भी होती है, निश्चितता भी होती है। तो इकोनॉमिक्स में अभी हम इन बातों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, है ना। इतना तो हम पहचान लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, तो कोई भी सुविधा का हम प्रयोग करेंगे उसका रिटर्न धीरे धीरे घटेगा, है ना। परंतु ये जो सुख का निश्चित स्रोत है जिसमें निरंतरता हो सकती है, तृप्ति बिंदु हो सकती है, जिसमें हमारी निर्भरता बाहर की नहीं हुई, इसको हम नहीं देख पाते हैं। तो आप कोई भी कोर्स ऑफ स्टडी उठा के देख लें, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, ह्यूमैनिटीज का कोई भी कोर्स हो, उसमें आप पाएंगे कि जब तक मानव की समझ नहीं है, मानव को हम मैं और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में नहीं देख पा रहे हैं, मैं में सुख के स्रोत को नहीं देख पा रहे हैं, तब तक हम जो भी नीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, उसका पूर्ति करते हैं ना, क्रियान्वयन करते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ शेष रह जाता है, जिसलिए तृप्ति बिंदु नहीं दिखाई देता। तो अभी जो इकोनॉमिक्स चल रहा है वर्ल्ड ओवर आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं सब कठिनाई आपको दिखाई देती है। तो अगर हम अर्थशास्त्र को भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें पहले इन बातों पर स्पष्ट होना जरूरी है। जब तक इनकी स्पष्टता नहीं बनती तब तक हम जो कुछ भी आगे करने वाले हैं उसमें वो अंतर विरोध अंतर द्वंद बना रहेगा। ये बात इतनी ठीक है? इसको लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो मानव की समझ के साथ फिर हमें मानव लक्ष्य भी दिखाई देता है। तो मानव लक्ष्य का मतलब कि जब हम समाज में रह रहे हैं हम सबका क्या समान लक्ष्य हो सकता है, तो उसमें चार लक्ष्य दिखाई देते हैं। इस लक्ष्य को सामने रखकर और इसके ना पूर्ति के लिए जो समाज में भिन्न भिन्न आयाम होंगे, सिस्टम्स होंगे, उस पर उन्होंने विस्तार से पिछले 1.5 वर्ष में बातें की हैं, एक एक आयाम को लेकर। तो मानव लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है कि हर व्यक्ति में समाधान, सही समझ, सही भाव हो, है ना। और समाधान क्या है, सही समझ सही भाव क्या है, इस पर उन्होंने बात की। तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था की समझ हो, उसके आधार पर निश्चित भाव हो, जिससे हर व्यक्ति सुखपूर्वक जी पाए, हर परिवार में समृद्धि हो। समृद्धि का मतलब भी क्या है, उसमें उन्होंने डिस्कशन किया है ना। उस सुविधा की आवश्यकता की निश्चित पहचान हो और उससे अधिक का उत्पादन कर पाए, उससे अधिक परिवार में उपलब्ध हो, और इसके साथ समाज में अभय हो। मानव का जो साथ साथ जीना है वो उभय सुख के अर्थ में हो, उसमें विश्वास आधार में हो, और शेष प्रकृति के साथ जो जीना है उसमें परस्पर पूरकता हो, सहअस्तित्व हो। तो देखें तो इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मानव में समाधान है, मानव में समाधान के आधार पर ही परिवार में समृद्धि हो पाती है। हर परिवार में जब समृद्धि होता है तभी समाज में अभय हो पाता है, और जब मानव आपस में ठीक से जी पाते हैं तभी शेष प्रकृति का भी पोषण कर पाते हैं, नहीं तो उनका दोहन शोषण चलता रहता है। इसको पूरा करने जाते हैं तो शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय, न्याय सुरक्षा, विनिमय कोष, ये 5 तरह के आयाम दिखाई देते हैं।
और उसमें दिखाई देता है कि जो शिक्षा संस्कार है वो मूलभूत कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ से ही बाकी सारे कार्यक्रम व्यवस्थित होते हैं। वैसे ही जब हमें अपने जीने के हर स्तर पर हम व्यवस्था को जो एक्सप्लोर करते हैं, तो प्रकृति की व्यवस्था भी स्पष्ट होती है और दिखाई देता है कि प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं। पदार्थ व्यवस्था है जिसमें मिट्टी, धातु, अधातु, हवा, पानी आदि हैं। प्राण अवस्था है जिसमें पेड़ पौधे हैं। जीव अवस्था है जिसमें कि पशु और पक्षी हैं और हम लोग हैं मानव ज्ञान अवस्था के रूप में। तो दिखता है अपने को कि बाकी तीन जो अवस्थाएं हैं वो हमारे लिए पूरक है ना, इन सबसे हमारी आवश्यकता पूरी होती है। इकोनॉमिक्स में जब हम कोई उत्पादन प्रक्रिया की बात करते हैं तो अल्टीमेटली हम इन तीन अवस्थाओं पे ही काम करते हैं। पदार्थ अवस्था पे काम करते हैं, प्राण अवस्था पे काम करते हैं, जीव अवस्था पे काम करते हैं और इनसे हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने का योजना बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं। इन सबसे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। बट यदि हमें अर्थशास्त्र ठीक से स्पष्ट ना हो तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते समय हम इनका दोहन करते हैं ना, हम इनका शोषण करते हैं और यदि इनको क्षीण बना देते हैं। अभी प्रकृति की जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें दिख ही रहा है कि मिट्टी, हवा, पानी सब पहले से खराब हो गए हैं, प्रदूषण बढ़ गया है, संसाधनों का अभाव होता जा रहा है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जंगल घटते जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसके कारण। जो खाने पीने के लिए जो हम पौधों का प्रयोग परंपरागत रूप से करते रहे हैं उनमें से कई सारी प्रजातियां कम होती जा रही है, जिसके लिए हमने पिछली बार डिस्कशन किया था कि कैसे बीजों का संरक्षण किया जाए। पदार्थ व्यवस्था को देखें तो कैसे जल का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण, नदियों का संरक्षण किया जाए। वैसे पशु पक्षियों के बारे में दिखाई देता है कि कैसे हम इनका दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जिससे इनकी प्रजातियां भी कम होती जा रही है और इन सब के कारण अल्टीमेटली हमें अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और अधिक श्रम करना पड़ता है, और अधिक उत्पादन करना पड़ता है, और अधिक उसके लिए हमको पैसा कमाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है और फिर भी हमारी आवश्यकता ठीक से पूरी नहीं हो पाती। और इस पूरे क्रम में हम बाकी तीन अवस्थाओं को तो शोषण करते ही हैं, आपस में एक दूसरे का शोषण शुरू कर देते हैं, है ना, ये वितरेक हो जाता है। परंतु यदि हमें अपनी सहस्वीकृति ठीक से दिखाई दे तो दिखता है कि हम इन सबका पोषण करना चाहते हैं। हम सहज रूप से पदार्थ अवस्था का भी पोषण करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मिट्टी खराब हो जाए, हवा खराब हो जाए, पानी खराब हो जाए, नदियां सूख जाए, है ना, कीचड़ बन जाए, कि नहीं पानी का तल धरती से बहुत नीचे चला जाए, ग्लेशियर पिघल जाए ताकि समुद्र तल ऊपर उठ जाए, ताकि जो जल का स्तर है वो बढ़ता जाए और धरती डूब जाए, ऐसा तो हम नहीं चाहते। ना हम चाहते हैं कि पेड़ पौधों का पूरा विनाश हो जाए, ना हम चाहते हैं कि पशु पक्षियों का विनाश हो जाए। तो ऐसा हमारी सहस्वीकृति तो नहीं है, सहस्वीकृति तो पूरकता के लिए ही है। और यदि हम उसको ठीक से समझ कर निर्वाह करते हैं तो हम पाते हैं कि हम पहले से बहुत ज्यादा पूरक हो पाते हैं। जैसे पिछले सेशन हमने डिस्कशन किया था कि अगर हमें अपनी व्यवस्था समझ में आए, पूरे प्रकृति की व्यवस्था समझ में आए, तो हम बहुत ज्यादा पूरकता के लिए एक योजना कार्यक्रम बना पाते हैं। एक व्यक्ति कई लोगों, कई पक्षियों के लिए घोंसला बना सकता है, एक व्यक्ति पूरे जंगल को हरा भरा कर सकता है, एक व्यक्ति इतने स्क्वायर किलोमीटर में पेड़ लगा सकता है ना, कोई नदी को कैसे संरक्षित कर सकता है। तो इतनी क्षमता तो है हमें, हमारी कल्पनाशीलता में भी इतनी क्षमता है और हम जो काम करते हैं उसमें भी इतनी क्षमता है, परंतु इसका सदुपयोग करने की जरूरत है। अगर सदुपयोग ठीक से कर पाते हैं तो इनके लिए पूरक हो पाते हैं। तो जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं जो सर्वशुभ के लिए हो, तो उसमें इन सबको शामिल करना जरूरी है। अर्थशास्त्र सिर्फ मानव के शुभ के लिए है ऐसा नहीं है, उसमें पशु पक्षियों का भी शुभ हो, पेड़ पौधों का भी शुभ हो, हवा पानी का भी शुभ हो, पूरी धरती का शुभ हो, तभी वो अर्थशास्त्र हमारे लिए भी शुभकारी होगा और तभी वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लिए शुभकारी रह पाएगा। अन्यथा एक पीढ़ी इन सब का शोषण करके अपने संग्रह कर लेगा, भोग कर लेगा, बट अगली पीढ़ी के लिए सब बचेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली उसमें सर्वशुभ नहीं हुआ, है ना। और इस पूरे भोग के कार्यक्रम में अल्टीमेटली हम संघर्ष करेंगे, आपस में भी करेंगे, इनके साथ भी करेंगे, तो हमारा आपस में भी न्यायपूर्वक, संबंध पूर्वक, अभय पूर्वक जीना नहीं हो पाएगा। जी बढ़िया, तो इतनी बातें हम लोगों ने अभी तक शेयर की हुई है पहले, तो हम इसको थोड़ा वेरीफाई करें कि क्या अर्थशास्त्र सिर्फ मानव के लिए है या चारों अवस्थाओं के लिए है, क्या लगता है, चार बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर हम सही ढंग से अर्थशास्त्र में परिभाषित करने जाएं तो सिर्फ मानव के लिए होगा या चारों अवस्थाओं के लिए होगा। जी भैया नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते। बहुत ही सही टॉपिक है ये, और वास्तव में जैसे जैसे हमको ये व्यवस्था समझ में आएगी तो हम जो भी ये अवस्थाएं हैं, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है और पदार्थ अवस्था है,
इन सबका जहां हम सदुपयोग कर पाएंगे वहीं हम संरक्षण संवर्धन और सदुपयोग की जिम्मेदारी भी ले पाएंगे। अभी जो अर्थशास्त्र बना उस अर्थशास्त्र में सिर्फ हम हमारे अंदर चूंकि स्पष्टता नहीं थी, समझ नहीं थी, तो हमने सिर्फ शोषण करना ही, जहां हमने प्रकृति का शोषण किया वहीं मनुष्य का भी हमने उसी कारण शोषण कर डाला। जैसे जैसे ये अर्थशास्त्र हमको समझ में आएगा वैसे वैसे हम प्रकृति को संरक्षित संवर्धन कर पाएंगे और सदुपयोग की जिम्मेदारी भी स्वीकार कर पाएंगे। मैं जो भी इस पे काम कर रहा हूँ तो बहुत ही सार्थक रिजल्ट देख रहा हूँ। प्रकृति में बहुत ही अभी भी बहुत हमेशा संभावना रही है, आज भी है, बस मुझे उसे देखना है, मुझे उसे समझना है और मुझे उसका सदुपयोग करना है। तो अभी भी मैं देखता हूँ जंगलों में जाके कि लोगों का वहां से ध्यान हट गया है, उन पेड़ पौधों की बहुत उपयोगिता है, उनकी बहुत, उनका अर्थशास्त्र में भी आज बहुत बड़ी वैल्यू है, उनकी जड़ी बूटियों की उपयोगिता है, जड़ छाल पत्ते सभी कुछ उपयोगी हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जैसे जैसे हमें ये समझ में आएगा हम सृष्टि की व्यवस्था को समझ पाएंगे और मानवीय संबंध को भी समझ पाएंगे। जी भैया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जी बिल्कुल ठीक है भैया। तो जो अर्थशास्त्र होगा वो पूरी प्रकृति के लिए होगा, न कि सिर्फ मानव के लिए होगा। उसमें हमें चारों अवस्थाओं का कैसे संवर्धन हो, संरक्षण हो, सदुपयोग हो, इन सबका ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये बात जब हमको प्रकृति की समझ में आती है और उसके साथ जब हम अस्तित्व की व्यवस्था को समझते हैं तो हमें पूरे अस्तित्व में अपनी भागीदारी भी समझ में आती है। तो हमें दिखता है कि हर मानव का जो कार्यक्रम है एक छोर पे स्वयं में ज्ञान की पूर्णता के लिए काम करना है। तो इस पे हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया है, सुबह के सत्र में भी चर्चा कर रहे हैं। इस डायग्राम से आप परिचित होंगे, इसके एक एक शब्द को विवेचना करने में इसके विस्तार में भी नहीं जाते हैं। तो अगर आप अपनी ओर ध्यान देते तो दिखाई देता कि मेरे अंदर एक कल्पनाशीलता का आयाम है और एक अनुभव का आयाम है, ज्ञान का आयाम है। तो अभी हम कल्पनाशीलता के आयाम में जी रहे हैं, उसमें हमारे जीने का स्तर ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ आशा के स्तर पर जी रहे हैं, तो हम कुछ आस्वादन पाने के लिए चयन कर रहे हैं और बाहर से कोई अनुकूल भाव मिल जाए, बाहर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए, इसके आस्वादन के लिए चयन कर रहे हैं। उससे ऊपर का स्तर हो सकता है जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, तुलन करते हैं और फिर अपनी कल्पनाशीलता में उसको फैलाकर देखते हैं कि जीने का ये कार्यक्रम बनेगा या नहीं बनेगा। उससे और ऊपर जाते हैं तो हम अपने अंदर सही भाव को देखने का और पूरी व्यवस्था को चित्रित करने का प्रयास करते हैं और इस प्रयास में फिर हमारी स्थिति बन पाती है कि हम जो ऊपर की क्रियाएं हैं चिंतन बोध अनुभव उनको जागृत कर पाते हैं। तो चिंतन में हमें संबंध स्पष्ट हो पाता है, बोध में हमें प्रकृति की व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट हो पाती है और अनुभव के स्तर पर हमें पूरा अस्तित्व अस्तित्व के रूप में दिखाई देता है। तो एक छोर पर हमें जो करने का काम है वो ये है कि हम अपने आप में अनुभव तक पहुंचने के लिए काम करें। दूसरे छोर पर हम जब जीने जाते हैं तो मानव के साथ उभय सुखपूर्वक जीते हैं, शेष प्रकृति के साथ उभय समृद्धिपूर्वक जीते हैं और जब हम भागीदारी करते हैं तो मानव लक्ष्य पूर्ति के अर्थ में करते हैं। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है बाहर, ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में दिखाई देता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रह पाए। तो जब हम भागीदारी कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रहता है कि जो भी हमें भागीदारी करनी है अखंड समाज के अर्थ में, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, मानवीय परंपरा के अर्थ में। तो जब मैं योजना बनाता हूँ अपनी कल्पनाशीलता में अनुभव बोध चिंतन के साथ, तो ये जो विचार किस तरह करते हैं शास्त्र तैयार होते हैं जिसमें अर्थशास्त्र एक प्रकार का शास्त्र है। फिर अर्थशास्त्र इस पूरे के अर्थ में जाता है। इनफैक्ट अर्थशास्त्र को देखें तो उसका शब्द से भी बहुत अर्थ निकलता है। तो अर्थ का मतलब है प्रयोजन। तो जो वस्तु जिस अर्थ में है, जिस प्रयोजन में है, उस अर्थ में ही उसको समझना, उसका निर्वाह करना, ये अर्थशास्त्र है। तो मानव किस अर्थ में है, अखंड समाज के अर्थ में, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, मानवीय परंपरा के अर्थ में है कि नहीं। प्रकृति की अन्य इकाइयों को भी देखें तो उनकी जो आपस में पूरकता है उसको समझना बनता है। इस पूरी समझ के साथ फिर हम योजना बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, फल परिणाम का मूल्यांकन करते हैं। जी तो ज्ञान के साथ निरंतर सुखपूर्वक जीते हुए हमारी क्या भागीदारी होगी संपूर्ण व्यवस्था में, यह हमें स्पष्ट होता है। ये सब मौलिक बातें हैं जो अर्थशास्त्र में जानी जरूरी है। इसको स्किप करके अगर चलते हैं तो जो भी हम बातें रखते हैं वो अपूर्ण रह जाती हैं या कई बार विरोधाभासी हो जाती हैं।
तो इसके साथ ही देखें, अब अगर पूरी बात को आपस में कनेक्ट करें तो स्वयं में मैं गति कर रहा हूँ, किस अर्थ में कि मेरे अंदर अनुभव हो जाए और मेरी भागीदारी जो मानवीय परंपरा के अर्थ में हो जाए, ये विकास है जो मेरे अंदर होना है, मेरे क्रियाओं में विकास होना है, मेरे आचरण में विकास होना है। और पूरे अस्तित्व को देखें तो इस रूप में दिखाई देता है कि चार अवस्थाएं हैं, उसमें हम लोग यहाँ पे हैं मानव के रूप में ज्ञान अवस्था में, और ये तीन अवस्थाएं हैं फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर। और ये चारों अवस्थाएं कहाँ हैं? शून्य में संपृक्त हैं। शून्य जो हर जगह व्याप्त है, व्यापक है, इसकी कोई सीमा नहीं, असीम है, जबकि सारी इकाइयां आकार में सीमित हैं। शून्य क्रिया शून्य है, जबकि हर इकाई स्वयं में भी क्रिया है, दूसरी इकाइयों से क्रियाशील है। शून्य में नियंत्रण उपलब्ध है, जिसमें बने रहते हुए हर इकाई स्वनियंत्रित है। शून्य में साम्य ऊर्जा है, उसमें बने रहते हुए हर इकाई ऊर्जित है, सापेक्ष रूप में ऊर्जित है, ऊर्जा घटना बढ़ना हो रहा है। शून्य पारदर्शी है, उसके माध्यम से हर इकाई दूसरी इकाई संबंध को पहचान पा रही, निर्वाह कर पा रही। इस पूरे दृष्टि के साथ, जिसको विजन कहेंगे, इस पूरी दृष्टि के साथ मैं अब जीने की योजना कार्यक्रम बनाता हूँ। मुझे दिखता है कि अस्तित्व था, है और रहेगा। अस्तित्व में इकाइयां हैं, इकाइयों के समूह को प्रकृति कह रहे हैं, जो शून्य संपृक्त हैं, उसमें चार अवस्थाएं हैं, उसमें ज्ञानावस्था में ये विकास होना है। तो जो भी मैं योजना बनाता हूँ उसका एंड आउटकम ये हो कि ये स्वयं में विकास हो पाए ना, यहाँ डेवलपमेंट हो पाए। तो कि सुविधा का उत्पादन करना अपने आप में लक्ष्य नहीं है, उसके उत्पादन को बढ़ा देना, उसमें रिसर्च करना, इनोवेशन करना, नए नए तरीके ढूंढ लाना, ये अपने आप में विकास नहीं है, जब तक ये मेरे विकास से नहीं जुड़ता। तो हम सुविधाओं में बहुत सारा काम किए भी हैं, उपयोगी हैं, उनका हम सदुपयोग भी कर रहे हैं। जैसे आज के दिन देखें तो हम सभी देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में बैठे हुए कनेक्ट हो पा रहे हैं, और जूम के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं। तो ये हमारा कुछ हमने यंत्र बनाया, कुछ तकनीकी बनाई, जिससे ऐसा हो पा रहा है। परंतु इसका निष्कर्ष ये तो निकले कि हमारे में ज्ञान समाधान सुनिश्चित हो पाए, तब तो इसका सदुपयोग है। जी, कुछ प्रश्नों के नहीं का इतनी बातों को लेकर। भैया, ये पिछला जो हुआ था लेन देन, लेन लेन और देन देन, ये तो समझ में आ गई थी। तो ये जो अर्थशास्त्र का आज विषय है, यह नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि इसके विस्तार में जा रहे हैं। जी तो जी, उस पर भी आएंगे, अभी उस पर ही बात करेंगे कि लेन लेन का, लेन देन का और देन देन का अर्थशास्त्र। बट यदि हमें पूरी प्रकृति की व्यवस्था समझ में आए, तब तो देन देन का अर्थशास्त्र भी समझ में आता है। तो हमें सिर्फ प्रकृति से लेना नहीं है, देना भी है। प्रकृति हमें दे रही है, हमें भी प्रकृति को देना है। जी, तो मानव के साथ भी देन देन लागू होगा, प्रकृति के साथ भी देन देन लागू होगा। अगर हम जंगल से पेड़ काट के ला रहे हैं तो जंगल को हम वापस क्या दे रहे हैं? अगर हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं उससे, है ना, तो हम हवा को क्या दे रहे हैं? पानी ले रहे हैं धरती से, तो धरती को क्या दे रहे हैं? पशु पक्षियों से अगर कुछ ले रहे हैं तो उनको क्या दे रहे हैं? ये सब तो देखना बनता है ना। तो जब उसको हम देन देन के अर्थशास्त्र को समझने जाते हैं तो पूरी प्रकृति को समझना बनता है, मानव को तो बनता ही है। जी जी, बढ़िया बढ़िया भैया। जी बसंत जी, भैया जी प्रणाम। हाँ भैया, अर्थशास्त्र पे थोड़ी सी बात हम करना चाह रहे थे। हेलो जी। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, अर्थशास्त्र पे, चूंकि हम अर्थशास्त्र के ही टीचर हैं, तो अर्थशास्त्र पे बच्चों के साथ जो प्रोजेक्ट में कार्य करके देखा है, तो भैया इसमें ये तो है कि हमको ये जो बच्चों को हमने प्रोजेक्ट दिया है, उसमें उनको इसी क्रम में हम कार्य करने के लिए आगे प्रोग्राम बनाया है। तो हमने जो संबंध के साथ प्रकृति के और साधन और ज्ञान, ये जो आचार्य कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसके कुछ आधार सिद्धांतों को, आधारभूत सिद्धांतों को उठाया उसमें, कि जो भरत शब्द उन्होंने लिया है अर्थशास्त्र में, वो प्रकृति पृथ्वी से ही लिया है। तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ करके बच्चों के साथ जो चर्चा हो रही है, इसमें हमने ये देखा कि यूएचबी को बहुत अच्छे से जोड़ के उनको प्रकृति आधारित, जिसको प्राइमरी सेक्टर से जोड़ा है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर जिसको साधन आधारित, और तृतीय सेक्टर जिसको संबंध आधारित सेवा क्षेत्र माना है, और चतुर्थ क्षेत्र जिसको ज्ञान आधारित माना है। तो ये जो वेस्टर्न इकोनॉमी जो आई है, तब से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इकोनॉमिक्स में। यदि आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जब उठा के देखते हैं,
तो सारे उत्पादन की क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्र से ही कोरिलेटेड किया जोड़ा है। तो यहाँ पे ये तो है कि भैया इसमें यदि ऐसा कोई सिलेबस एक कंटेंट पे बात रेगुलर अर्थशास्त्र पे हो जाए तो बच्चों को जो यूएचबी का वास्तविक है उसको हम प्रकृति आधारित, साधन आधारित, संबंध आधारित और ज्ञान आधारित हम उस रूप में उनको आगे दे पाए। ये हमारा ही जितना निष्कर्ष निकल पाता है उसके आधार पर हम बच्चों को जोड़ रहे हैं और काम भी इस पर कर रहे हैं। कक्षा 12th के और 11th के बच्चों पे मैंने इस पे काम किया है कि यूएचबी को आर्थिक क्रियाओं के साथ जोड़ करके संबंध, साधन और प्रकृति से जो उत्पादन की क्रियाएं हो रही हैं उस उत्पादन के साथ डायरेक्ट उनको जोड़ करके उस अर्थशास्त्र को पढ़ाने का हम कार्य कर रहे हैं इसमें। तो हम ये चाह रहे थे कि यदि ऐसा कुछ इसमें और हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सके, ऐसा कुछ कंटेंट हमको यहाँ से मिल जाए तो हम उसको और बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। जी जी वही वही बात रखी जा रही है ना, तो कि अर्थशास्त्र का संपूर्ण अर्थ क्या होगा उसी पर भी बात हो रही है। बहुत बढ़िया, आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते रहें, अर्थशास्त्र पढ़ाते रहें, तो अर्थशास्त्र पे हम लोग एक कोर्स भी डेवलप कर रहे हैं, उसमें आपकी भागीदारी हो सकती है। जी मनीष कुमार गौतम जी, बढ़िया। तो ये बातें कुछ आधारभूत है जिसको लेकर हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे। तो सरस्वती के लिए जब अर्थशास्त्र बनाने जाते हैं तो ये दिखाई देता है कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। तो अर्थ है कि मानव की जो सुविधा की आवश्यकता पूरी हो और साथ में मानव के लक्ष्य की भी पूर्ति हो पीढ़ी दर पीढ़ी। तो हमें सुविधा की आवश्यकता इस प्रकार पूरी करनी है कि मानव लक्ष्य की पूर्ति हो, यानी कि हर व्यक्ति में समाधान, हर परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति में सहअस्तित्व सुनिश्चित करते हुए मुझे अपनी सुविधा की आवश्यकता पूरी करनी है। उसके लिए जो हम पूरा शास्त्र रचित करते हैं उसको अर्थशास्त्र कहा। तो यदि हम इसके भिन्न भिन्न पहलुओं पे जाएं तो उसमें इन मुद्दों पर स्पष्टता की जरूरत है। एक तो मैं और शरीर की आवश्यकता में जो अंतर है और उसको पूर्ति करने का जो कार्यक्रम है उसमें जो अंतर है उसमें क्लैरिटी होना जरूरी है। तो हमें दिखता है कि मैं की आवश्यकता निरंतर है, गुणात्मक है, शरीर की आवश्यकता समय में सीमित है, मात्रा में सीमित है, मात्रात्मक है। जो मेरी आवश्यकता है वो सही समझ, सही भाव से पूरी होती है, जबकि शरीर की आवश्यकता सुविधाओं से पूरी होती है। अभी जो एक गलत मान्यता बन गई है जिसको हम विधिवत चैप्टर में पढ़ाते हैं, अच्छी बात यह है कि वहाँ शब्द का जो प्रयोग करते हैं आवश्यकता न कहकर वांट्स, इच्छा कहते हैं, बट कहीं कहीं पुस्तकों में आवश्यकता भी लिखा हुआ मिलता है। तो इंग्लिश में जब लिखते हैं तो वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये हम जैसे ही अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को उसमें ये चैप्टर में आता है, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक ना। हिंदी में कई बार जब पढ़ाते हैं तो लिखते हैं कि आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है। अब बच्चे के अंदर अगर हम ये बात बचपन से ही बैठा रहे हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड, आवश्यकता अनंत है और साधन सीमित है, इसका बच्चा निष्कर्ष क्या निकालेगा? तो उसको लगता है कि फिर पूरे जीवन मुझे सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ेगा, पूरा जीवन निकल जाएगा फिर भी ये शायद पूरा ना हो पाए, क्योंकि प्रकृति की बनावट ही ऐसी है कि हमारी इच्छाएं अनंत रहती हैं और साधन हमेशा सीमित ही रहते हैं, इसलिए मेरी इच्छाएं कभी पूरी होंगी नहीं। तो जो शरीर के संबंध में इच्छा है और जो मैं के संबंध में इच्छा है, अगर इसमें अंतर समझ में ना आए तो हम सुविधाओं से ही मैं की इच्छाओं को पूरा करने जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी मूल इच्छा है सुख, उसकी निरंतरता, वो सुविधाओं से पूरी होगी। और इसमें मूल में चूक क्या हो गया है कि हमने मैं को शरीर मान लिया है। तो अगर हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो जिन भावों से मुझे सुख मिलता है, विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, उसको हम सुविधाओं से पूरा करने जाते हैं। और ये हमें निरंतर चाहिए तो हम उसको असीमित बनाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ चूक हो गई देखने में, समझने में मैं और शरीर के लेकर, इसलिए आगे जो भी योजना कार्यक्रम बनाते हैं वहाँ चूक होती रहती है। तो हम इस निरंतर सुख को बनाए रखने के लिए फिर अनंत सुविधा संग्रह में जाते हैं और इससे हमारे अंदर दरिद्रता का भाव बना रहता है और फिर हम एक लूप में फंस जाते हैं। इस दरिद्रता के भाव के साथ मुझे लगता है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, क्या करना है, और सुविधा कमानी है चाहे जैसे भी हो, फिर उसके लिए मुझे लगता है कि और संग्रह करना होगा, और इस लूप में चले जाते हैं कि नहीं। अभी आप देखिए, अभी हाल में ही न्यूज आ रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट एक डेट क्राइसिस में चला गया है। अभी बताते हैं अमेरिका की जो आबादी है लगभग 33 करोड़ है और अमेरिका के ऊपर जो कर्ज हो गया है, डेट है, वो 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स का है।
31.4 लाख करोड़ डॉलर, यानी लगभग हर व्यक्ति के ऊपर अगर आप देखें तो $1,00,000 का लोन है, जबकि एक साल का पूरा खर्च देखें तो $1,00,000 बहुत है उसके लिए, उसे कम ही होगा $1,00,000 से। तो ऐसा बता रहा है कि प्रतिदिन जो खपत हो रही है, खर्च हो रहा है, वो $17 बिलियन का है, और जो उत्पादन हो रहा है वो $13 बिलियन की है। तो हम जीने का पूरा क्रम ही ऐसा बना लिए हैं कि हमें हमेशा लगता है कि साधन कम है, आवश्यकताएं अधिक है, तो हमें किसी प्रकार से सुविधा को और बढ़ाना है। उसके लिए हमें अनंत सुविधा संग्रह करना है, उसके लिए हमें शोषण करना है, संघर्ष करना है, ये सब हमारे एक विचार क्रम में आ जाता है। ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, अगर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को देखें तो लगभग ऐसा ही चल रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। अभी हाल में देखिए तो कुछ देश दिवालिया घोषित हो गए, कुछ और देश जो दिवालिया घोषित होने के कगार पे हैं, कुछ हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाए हुए, संघर्ष करते हुए। अब हमें विश्व के स्तर पर समस्या दिखाई दे रही है कि डिप्रिवेशन का सेंस फैला हुआ है ना, व्यक्ति व्यक्ति में तो है ही, व्यक्ति से आगे बढ़कर देश में चला गया है और इस लूप में फंस गए, ठीक, इसे निकल नहीं पा रहे। अब क्या हो रहा है, हमने जो बचपन से ही ये बता दिया कि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो जो भी हम आगे योजनाएं बनाएंगे उसी क्रम में बनाएंगे, ये मूल में चूक होता रहेगा। अपने आप को शरीर मानकर, अनुकूल संवेदनाओं से सुविधा पाकर, अनुकूल संवेदना सुख पाकर, या दूसरे से अनुकूल भाव पाकर, सुख पाकर, कैसे हम उसको निरंतरता को बनाए रख सकते हैं उसके लिए हम लगे रहते हैं, और इस कारण से जीने में गलतियां बनी रहती हैं कि नहीं। वैसे ही देखें तो जो दूसरी बात स्पष्ट होने की जरूरत है कि समृद्धि का भाव हमें स्पष्ट हो, तो हमें दिखाई दे कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है, और जो आवश्यकता वो तीन ही प्रयोजनों से है, शरीर के पोषण के लिए है, संरक्षण के लिए है, सदुपयोग के लिए है। ये बात कैटेगोरिकली इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में आना जरूरी है कि सुविधा की जो भी आवश्यकता होती है तीन ही पर्पज से होती है, या तो शरीर के पोषण के लिए होती है, या संरक्षण के लिए, या सदुपयोग के लिए होती है, बाकी जो कुछ भी है ना वो अनावश्यक है, आवश्यकता तो नहीं है। सामयिक रूप से भले हम उसका प्रयोग कर लें, बस उसकी निरंतरता को, उसकी परंपरा को बनाए रखने की योजना बनानी है, ऐसा नहीं सामयिक रूप से प्रयोग कर रहे हैं। जब हमें ये स्पष्ट होता है तो दिखता है कि सुविधा जो हमें शरीर के पोषण के लिए चाहिए वो सीमित मात्रा में चाहिए, संरक्षण के लिए चाहिए सीमित चाहिए, सदुपयोग के लिए चाहिए वो भी सीमित चाहिए। ये भी दिखाई देता है कि उससे अधिक उत्पादन करने की हम सब में क्षमता है, एक व्यक्ति जितना भोजन ले सकता है उससे बहुत ज्यादा भोजन उत्पादन कर सकता है, जितना कपड़े पहन सकता है उससे बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकता है, जितने साधन बना सकता है उससे बहुत ज्यादा साधन उत्पादन कर सकता है ना। तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान होना, अपनी उत्पादन की क्षमता का पहचान होना, और फिर उसके साथ उसको उपलब्ध करा पाना। जो हमें सुख मिलता है वो इस भाव से मिलता है कि मेरे पास आवश्यकता से अधिक है, न कि इस बात से मिलता है कि सुविधाएं मेरे पास बहुत है। इसको तो हम बारीकी से देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सुविधाएं हो परंतु लगे कि आवश्यकता से कम है ना, तो फिर हम दरिद्र महसूस करते हैं। बट यदि हमें दिखाई था कि आवश्यकता से अधिक है, भले ही उतनी मात्रा में नहीं है, तो हमें अपने अंदर समृद्धि का भाव बना रहता है, उसको सुख मिलता रहता है। अब अगर देखें तो जो एक रॉन्ग एजम्पशन चलाया गया है आज के दिन करंट इकोनॉमिक्स में, वो ये है कि अगर आवश्यकता अनंत है और साधन सीमित है, इसका सीधा निष्कर्ष है कि आप दरिद्र होने के लिए बाध्य हो। यानी आप चाहे इकोनॉमिक्स को क्लास 8 में पढ़ो या PhD करो, अल्टीमेटली आपकी दरिद्रता निश्चित है। आप चाहे जितने भी थियरी बना लें, हाइपोथेसिस बना लें, जितने भी सिद्धांत बता दें, बट अल्टीमेटली क्योंकि ये मूलभूत एक गलत मान्यता बन गई है, तो हमारा दरिद्र होना निश्चित है। इसलिए आप देखेंगे कि हम इतना सारा इनोवेशन कर रहे हैं, है ना, इतना सारा हम यंत्र बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली समाज में दो ही तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो सुविधा विहीन है दुखी दरिद्र हैं, कुछ लोग जो सुविधा संपन्न है फिर भी दुखी दरिद्र हैं। नहीं, अब ये सुविधा संपन्नता को भी ठीक से पहचानने की जरूरत है कि अगर हम इतने कर्ज में दबे हुए हैं तो हम अपने आप को सुविधा संपन्न कहेंगे क्या? हम बहुत सारी सुविधाओं को भोग रहे हैं बट कर्ज में है, और ये देश के स्तर पर दिखाई दे रहा है, परिवार के स्तर पर दिखाई दे रहा है। अभी समाज में भी ऐसे बहुत सारे परिवार हो गए हैं जो बहुत सारे कर्ज में दबे हुए हैं और दुखी हैं, दरिद्र हैं, भले ही बहुत सारी सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। हमें उस लूप से निकलने की आवश्यकता है, और उसके लिए ऐसे कोर्सेज डेवलप करने की आवश्यकता है ताकि समाज में हर बच्चा इस लूप से निकल पाए। तो अभी ये हो रहा है कि या तो सुविधा विहीन है या उसमें किसी तरह संघर्ष करके सुविधा संपन्न बन गए, बट चूंकि समझ नहीं है तो फिर सुविधा विहीन हो गए।
अभी ये दिखाया था कि बच्चे बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्टअप्स एक पॉइंट तक लगता है कि बहुत सफल हो रहे हैं, बाद में पता लगा कि उसमें हजारों करोड़ का लॉस हो गया है और फिर उसको बंद करना पड़ता है। ऐसे एक नहीं, आपको अनेकों उदाहरण मिलेंगे। अभी पिछले 5 साल में जो स्टार्टअप्स शुरू हुए उसमें आप देखिए तो जिस तरह से बच्चे उन लड़कों ने ऑपरेट किया, मतलब लोगों ने ऑपरेट किया है उसको, उसमें ये एक सामान्य सी घटना हो गई कि स्टार्टअप एक बड़े स्केल पे स्टार्ट हो रहा है और फिर फंस जा रहा है, हजारों करोड़ का उसमें लॉस हो रहा है, उधार में चले जा रहे हैं, उसको चुका नहीं पा रहे हैं, फिर उसको या तो बंद करना पड़ता है या दिवालिया घोषित करना पड़ता है। अब ये सब क्यों हो रहा है? स्किल्स की कमी है ऐसा नहीं, बट समझ की कमी है। हमें अगर कोई यंत्र बनाना है, कोई योजना बनानी है, कोई बिजनेस शुरू करना है, तो उसका लक्ष्य क्या होगा? सुविधा संपन्न होना या समृद्ध होना, सिर्फ स्वयं समृद्ध होना या सबका सबका समृद्ध होना, सिर्फ सबका समृद्ध होना। इसको ना देख पाए तो फिर हम यही एक और दो में फंसे रहते हैं, तो सुविधा विहीन से सुविधा संपन्न हो गए, फिर सुविधा विहीन हो गए, इसमें घूमते रहते हैं और दुख और दरिद्रता हमारा बना रहता है। जबकि हम होना क्या चाहते हैं? सुविधा संपन्न, सुखी, समृद्ध। ये देखने की बात है कि अभी हम भी जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम जो जी रहे हैं, अभी हम कहाँ खड़े हैं? एक पे, दो पे या तीन पे? वैसे ही शिक्षा में, अर्थशास्त्र में जो एक महत्वपूर्ण बात जाने की है कि श्रम मेरी एक आवश्यकता है। संयम के भाव के साथ जब जीते हैं तो उसमें मुझे श्रम की एक आवश्यकता दिखाई देती है। तो अगर संयम के भाव के साथ योजना कार्यक्रम को देखें तो उसमें दिखता है कि शरीर के लिए हमें सही आहार की जरूरत है, शरीर विहार की जरूरत है, साथ में श्रम की भी जरूरत है। तो जो एक निश्चित कार्यक्रम हम लोग देख पाते हैं कि आहार विहार और श्रम ये ठीक हो, तभी शिक्षा में श्रम के प्रति स्वीकृति कम होती जा रही है। ऐसा लगता है कि अगर मुझे शरीर से श्रम करना पड़ रहा है, यानी कम पढ़े लिखे, अगर और अधिक पढ़े लिखे होते तो श्रम इतना नहीं करना पड़ता, है ना। और ये भी हम मान लेते हैं कि पढ़े लिखने होने का मतलब कि दूसरे श्रम कराएं, खुद श्रम ना करें। और फिर जब दूसरे से श्रम कराने की प्रवृत्ति बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं छल, चालाकी, मैनिपुलेशन, ये सब शामिल हो जाता है। तो श्रम की स्वीकृति बने, अर्थशास्त्र में श्रम की स्वीकृति बने, हमें दिखाई दे कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो जरूरी है ही, साथ में उत्पादन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उत्पादन पे अल्टीमेटली, प्रकृति पे अल्टीमेटली उत्पादन करना हो हमको तो श्रम तो करना ही होगा, मैं करूं चाहे दूसरा व्यक्ति करे। तभी जो बच्चों की मानसिकता बनती जा रही है वो ये है कि मैक्सिमम पे, हम पूरे समय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, है ना, कि प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन हो, तो मैक्सिमम पे लेने में लगा हुआ है बच्चा, और इसी बात के लिए प्रयासरत है कि कम से कम या बिल्कुल नहीं श्रम करना पड़े। तो मैक्सिमम पे, इफ पॉसिबल नो वर्क, कि नहीं, तो ये भी एक भ्रांति बन गई है। तो श्रम की स्वीकृति बने, श्रम का हम सम्मान स्थापित कर पाए अपने अर्थशास्त्र में, ये भी जरूरी है। और जब तक ये श्रम के प्रति सम्मान सुनिश्चित नहीं होता तब तक ये जीने में भेद लगा रहेगा ना, सुविधा विहीन और सुविधा संपन्न के बीच में, और उसको लेकर संघर्ष की पूरा एक इतिहास रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा अगर हम इस बात पर रिजॉल्व न हो, अगर हम श्रम का सम्मान न कर पाए। इनफैक्ट हर व्यक्ति को अगर अपने श्रम के अनुसार प्रतिफल मिल जाए तो आप पाएंगे कि समाज में जो सुविधा के लिए संघर्ष है कम होता जाता है। परंतु यदि श्रम का प्रतिफल ना मिले तो एक समय तक व्यक्ति उसका फिर भी स्वीकार लेता है, एक समय के बाद फिर वो संघर्ष के भाव में भर जाता है, विरोध के भाव से भर जाता है। तो यदि हमें सुविधा का उत्पादन करना है तो शेष प्रकृति पर श्रम की आवश्यकता है, तभी हमको वो उत्पादित वस्तु प्राप्त होती है ना। अभी भी आप देखें तो ये दिखाई देता है कि अगर हम श्रम पूर्वक उत्पादन करें तो हमारी स्थिति संतुलित बनी रहती है, परंतु यदि हम श्रम न करें, उत्पादन न करें और किसी और विधि से अपनी सुविधा की आवश्यकता पूरी करने जाए तो बहुत सारा मैनिपुलेशन करना पड़ता है और उसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव बना ही रहता है ना, बहुत सारा उतार चढ़ाव के कारण हमारे परिवार में समस्याएं बनी रहती हैं। तो अभी एक मार्केट, एक देश में रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है और पूरा विश्व प्रभावित हो जाता है। अगर हम खुद अपनी आवश्यकता से उत्पादन कर रहे हैं तो दूसरे देश के रिसेशन से हमारे को प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो पूरा आइडिया है उस पर भी अपने को ठीक से ध्यान देने की जरूरत है कि अल्टीमेटली मुद्दा सुख का है, समृद्धि का है, ना कि उत्पादन का। और उत्पादन भी किस विधि से कर रहे हैं उसका मुद्दा है, ना कि सिंपली उत्पादन की मात्रा का। जैसा बताते हैं कि अगर आपके पास खेत है, आप अपने श्रम से मकान बना पाते हैं, जाते हैं खेत में खेती करके ले आते हैं और उससे अपने घर की सुविधा की आवश्यकता या
भोजन की आवश्यकता पूरी कर लेते हैं, तो हो सकता है वो आज के दिन जिस तरह से हम आकलन करते हैं इकोनॉमी में काउंट ही नहीं करता। परंतु यदि घर में हम उत्पादन न करें, हर चीज़ को मार्केट से खरीद के लाना पड़े, तो इकोनॉमी या जीडीपी हमारी बढ़ जाती है। अगर हम घर में भोजन भी ना बनाए एक दूसरे के लिए, किचन में काम ना करें, है ना, तो हमको बाहर जाए खाना पड़ता है, उससे भी इकोनॉमी या जीडीपी बढ़ जाता है। बाहर खाना खाने जाते हैं और उससे हमारा पेट खराब हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, फिर हमको डॉक्टर पर जाना पड़ता है, उससे फिर जीडीपी बढ़ जाता है। डॉक्टर जो हमें दवाएं देता है वो अगर ठीक ना हो और उसको लेकर हम वापस बीमार पड़ जाएं, है ना, तो फिर हमारा देश का जीडीपी बढ़ जाता है, एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली जीडीपी का बढ़ना हमारे देश की या हमारे अपने समाज की समृद्धि का द्योतक नहीं है। द्योतक यह है कि हम सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं, और उससे अधिक हम उत्पादन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो श्रम की स्वीकृति होना एक इम्पॉर्टेंट बात है। वैसे ही जब हम विनिमय करने जाते हैं, तो विनिमय हमारा उभय सुख उभय समृद्धि के अर्थ में है, पूरकता के अर्थ में है, या लाभोन्माद के अर्थ में है। तो तीन तरह से अर्थशास्त्र हो सकते हैं। एक अर्थशास्त्र हो सकता है लेन और लेन का अर्थशास्त्र। अगर इसमें देखें तो अल्टीमेटली से जो निकल कर आता है वो शोषण है, दरिद्रता है, युद्ध है, ये सब चीजें निकल कर आती हैं। तो लेन लेन अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ कि मैं सोचता हूँ कि मैं दूसरे से अधिक ले लूं, दूसरा सोचता है दूसरा मुझसे अधिक से अधिक ले ले कि नहीं। तो इसमें हम एक दूसरे का शोषण करने की योजना बनाते हैं और इसमें संघर्ष होता है और फिर इसमें दरिद्रता का भाव बना रहता है। एक दूसरा अर्थशास्त्र हो सकता है लेन और देन का अर्थशास्त्र। तो एक समय तक तो चल सकता है, दूसरा व्यक्ति हमें देना देने की सोच रहा है, हम उसे लेने की सोच रहे हैं, तो एक समय तक चलेगा, बट अल्टीमेटली वो सस्टेनेबल नहीं होगा, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए नहीं रख पाएंगे। और तीसरा अर्थशास्त्र हो सकता है देन और देन का अर्थशास्त्र, कि मैं सोचता हूं मैं अधिक से अधिक दे दूं, दूसरा सोच रहा है अधिक से अधिक दे दे। तो अगर मानव की बात करें तो हम दूसरे मानव को देने की उसकी आवश्यकता पूरी करने की विचार करते हैं, दूसरा भी हमारी आवश्यकता पूरा करने का विचार करता है। इस क्रम में हम दोनों की आवश्यकता भी पूरी होती है, समृद्धि का भाव भी रहता है और साथ में स्नेह का भाव भी रहता है। लेन लेन से चलते हैं तो सबसे पहले स्नेह चला जाता है ना, स्नेह के स्थान पर द्वेष विरोध संघर्ष शुरू हो जाता है। देन देन के भाव से चलते हैं तो स्नेह का भाव बना रहता है। और किसी भी संबंध में अगर हम देन और देन के भाव से चलें तो आप आएंगे संबंध में तृप्ति बनी रहती है। हम परिवार में भी रह रहे हैं, परिवार में देखें कि हमारी कितनी आवश्यकता है, उससे अधिक हम परिवार को दे पा रहे हैं कि नहीं। हम समाज में रह रहे हैं, है ना, हमारी कितनी आवश्यकता, उससे अधिक हम समाज को दे पा रहे हैं कि नहीं। प्रकृति से जो हम ले रहे हैं उससे अधिक हम प्रकृति को दे पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम इन जनरल देखें तो जो मानसिकता बन गई है वो तो यही बन गई है कि अपने को अधिक से अधिक लेना है, उसके लिए चाहे छल आदि आदि, है ना। तो जो यहाँ पे एक गलत मान्यता बन गई है वो ये है कि अर्थशास्त्र का लक्ष्य है कि प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन हो। और कई बार ये भी मान लेते हैं योर प्रॉफिट इज माई लॉस, आपका लाभ मेरी हानि है, तो अगर मुझे लाभ कमाना है तो आपकी हानि होनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। तो ये उसके कारण हम इस तरह के कुचक्र में फंस जाते हैं, ऐसी गलत मान्यता है कि मनी इज एवरीथिंग, एक्युमुलेशन बाय एनी मींस, है ना, ये सब चल रहा होता है, जिसके कारण लाभोन्माद, कामोन्माद, भूगोन्माद, ऐसी समस्याएं दिखाई देती हैं। समाज में अपराध बढ़ने लगते हैं, युद्ध बढ़ने लगते हैं, आतंकवाद बढ़ने लगता है, और प्रकृति का दोहन शोषण होता है। ये सब इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं अपने जांच परख के लिए, इसको हम जांचे परखें। फिर जो हमें संचय करना है, है ना, कोष करना है, वो किस अर्थ में करना है, तो सदुपयोग के अर्थ में। तो संचय या कोष भी हमारे जीने का एक आवश्यक भाग है। तो अगर हम देखें तो किसी, अगर खेती की बात करें फॉर एग्जाम्पल, या किसी उत्पादन की बात करें, अब जब खेती करने जाते हैं तो किसी ऋतु में कोई फसल तैयार होती है, उसको हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं, उसी समय सारा कंज्यूम तो नहीं कर ले जाते, उसको फिर हम आगे के समय के लिए रखते हैं। तो जैसे अभी गेहूं की कटाई हुई, गेहूं को हम निकाल लाए, उसको हमने बचा के रख लिया ताकि साल भर खा सके। हमारे देश में ये भी होता है कि दो साल जब अच्छी बारिश होती है तीसरे साल उतनी अच्छी बारिश नहीं होती है, तो दो साल में इतना पैदा कर लेते हैं, है ना, कि हम तीसरे साल भी खा सकते हैं। इनफैक्ट पाया जाता है कि एक साल में आप जितना पैदा कर लेते हैं देश में वो दो साल के लिए पर्याप्त होता है। और आपने दो साल ठीक से पैदा कर लिया, लगभग ऐसा कोई आंकड़ा है ना अभी मेरे पास नहीं है, दो साल में अगर आपने ठीक से पैदा कर लिया, तीसरे साल में नई पैदावार हो तो भी काम पूरा हो सकता है हमारा। तो इतना तो प्रकृति हमको देती ही है। वैसे ही हम देखें, हम अपने शरीर यात्रा में भी एक समय हमारे अंदर श्रम करने का
स्थिति रहता है, शरीर में इतनी क्षमता होती है कि श्रम कर पाए, तो हम उसके लिए अर्न करते हैं, जैसे हम सभी अर्न कर रहे हैं, फिर ओल्ड एज के लिए हम सेव करके रखते हैं, जब हम अर्न न कर पाए, है ना, एक समय के पास शरीर बुजुर्ग बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, है ना, तो हम अर्न नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम सेव करके रखते हैं। और तो कितना सेव करना है ये कैसे तय होगा? तो सदुपयोग को हम समझ पाते हैं तभी तय हो पाता है। तो ये एक व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू होता है, परिवार के स्तर पर भी लागू होता है, समाज और देश के स्तर पर भी लागू होता है। तो जो हमें कोष करना है ना, वो सदुपयोग के अर्थ में करना है, ना कि संग्रह के अर्थ में करना है। तो समाज का एक मुख्य आयाम है कोष, और कोष के बारे में हम अध्ययन भी करते हैं अर्थशास्त्र में। हमें दिखाई दे कि सदुपयोग हमें स्पष्ट है, और जो सदुपयोग से शेष है उसका हम संचय कर रहे हैं जब उत्पादन नहीं हो पा रहा, ना कि संग्रह कर रहे हैं। अभी क्या हो गया है, ये जो एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ है ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन गया हमारे लिए। अभी हर दिन वो एक मैट्रिक्स बना जाता है, रिचेस्ट 10 पीपल इन द वर्ल्ड, कौन अभी फर्स्ट नंबर पे, कौन सेकंड नंबर पे, कौन थर्ड नंबर पे, और जिसने जितना एक्युमुलेट कर लिया है ना उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं कि व्यक्ति के सब धरती के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अब हमने क्या किया है, इससे हम कोई दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने में लगे हुए हैं, और हमने एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ को एक इंडेक्स मान लिया, डेवलपमेंट का एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मान लिया। अब हर व्यक्ति है ना, अभी हम एक वो सीरियल भी आता है कौन बनेगा करोड़पति, अभी आप यूट्यूब ऑन करिए तो बहुत सारे ऐड आते हैं मैनेजमेंट के, है ना, या ऐसे टीचर्स के जो बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं आपको, और उसमें पहला क्वेश्चन होता है अभी आप करोड़पति क्यों नहीं है, अभी आपका नाम उन 10 बिलियनर्स में क्यों नहीं है, ऐसे प्रश्नों से बात शुरू होती है, और बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि अभी हम शिक्षा में ऐसी वस्तु नहीं दे रहे जिससे बच्चे उसका ठीक से आकलन कर पाए, तो बच्चों को भी लगता है कि बिलियनर बनना है। अभी बच्चों से जब बात करते हैं वर्कशॉप में, उनसे प्रश्न करते हैं कि आप में से कितने लोग बिलियनर बनना चाहते हैं, लगभग सभी बच्चे हाथ उठाते हैं हम बिलियनर बनना चाहते हैं। फिर आप पूछिए कि आप में से कितने लोग सुखी होना चाहते हैं, तभी फिर से हाथ उठाते हैं सभी कि हम सभी सुखी होना चाहते हैं। फिर आप उनसे पूछिए कि कितने लोग को लगता है कि बिलियनर एक बार बन गए तो सुखी हो जाएंगे निरंतरता में, कोई हाथ नहीं उठाता। ये प्रश्न हम अर्थशास्त्र में क्यों नहीं कर पाते, ये हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय क्यों नहीं कर पाते, हम वहां क्यों बताकर आगे बढ़ जाते हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना। तो हमें सदुपयोग की समझ हो अर्थशास्त्र में, हमें जो कोष करना है, संचय करना है, उसकी समझ हो, कितना करना है, क्यों करना है, किस अर्थ में करना है। उसके साथ प्रकृति की सुरक्षा के बारे में भी स्पष्टता होनी जरूरी है। तो जो मानव की भागीदारी है प्रकृति की, वो तीन प्रकार से, प्रकृति को संवर्धित करना, संरक्षित करना, सदुपयोग करना, जो बाकी तीन अवस्थाएं, ना कि उनका दोहन शोषण करना। अभी जो गलत मान्यता बन गई है, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, ये जैसी हम मान लेते हैं कि ना संघर्ष है और जिस संघर्ष में विजयी होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, तो उसका एक सीधा निष्कर्ष निकलता है कि हमें नेचर पर डोमिनेट करना, नेचर पर एक्सप्लॉयट करना है। आप लोगों से बैठ के बात करें तो उनको लगता है पूरे नेचर का डिजाइन ही यही है। बच्चे ऐसी बातें करते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है, इसे बड़ा बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को खा जाता है, बड़े उद्योग छोटे स्टार्टअप्स को खा जाते हैं। तो अगर मुझे सर्वाइव करना है या तो मुझे बड़ा बनना पड़ेगा या उनको खाने की असली कीमत देनी लेनी पड़ेगी उनसे, कि नहीं तो एक स्टार्टअप शुरू करिए और बेच दीजिए, इसे इतना पैसा कमा लीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे नोशंस फैले हुए। अब ये जो एक छोटी सी मान्यता बन गई स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल द फिटेस्ट, उसके कारण हमारा पूरा जो विचार करने का क्रम है, चाहे अर्थशास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, उसमें वो चला गया। तो हम ये समझने की जरूरत है कि मेरा जीना इन बाकी तीन अवस्थाओं पर निर्भर है, और मैं इनका जब पोषण करता हूँ, इनका संवर्धन करता हूँ, संरक्षण करता हूँ, सदुपयोग करता हूँ, तभी जाकर मेरा सुख समृद्धि पूर्वक जीना सुनिश्चित हो पाता है, तभी मेरा जो अर्थशास्त्र है वो स्थायी हो पाता है, नहीं तो संघर्ष चलता रहता है। तो निष्कर्ष रूप में देखें तो इतनी बात है कि देयर इज अ नीड टू रीडिफाइन द थियोरीज एंड अजम्पशंस इन इकोनॉमिक्स। तो अभी जो अर्थशास्त्र है उसमें जो भी हम सिद्धांतों को, थियोरीज को लेकर चल रहे हैं, मान्यताओं को लेकर चल रहे हैं, उसको फिर से एक बार समझने की, परिभाषित करने की जरूरत है। अभी ज्यादातर जो हमने सिद्धांत बना लिए हैं उसमें ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती कि मानव जैसा जी रहा है उसका अध्ययन कर रहे हैं या मानव जैसा वास्तव में होना चाहता है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो थियोरीज बना ली गई हैं वो इस बात को लेकर कि मानव अभी कैसा जी रहा है ना, उसको लेकर हम सिद्धांत बना लेते हैं, जबकि इम्फेसिस इस बात पे हो कि मानव कैसा वास्तव में होना चाहता है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। तभी जो इकोनॉमिक्स होगी वो मानवीय हो पाएगी, ह्यूमेन इकोनॉमिक्स हो पाएगा, जिससे सर्वशुभ हो पाए,
और सरशुभ का मतलब क्या हो कि मानव में समृद्धि सुनिश्चित हो पाए और शेष प्रकृति की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए सस्टेनेबली, है ना, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, लगातार ये बना रहे, इसकी निरंतरता बन पाए। अगर पूरी बात को समाप्त करें तो आवश्यकता है कि इकोनॉमिक्स सभी के सर्वशुभ के लिए हो, और जो मानवीय इकोनॉमिक्स का लक्ष्य होगा वो यह कि मानव की सुविधा की आवश्यकता इस प्रकार से पूरी हो कि मानव लक्ष्य की पूर्ति होती रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसको लेकर अभी ह्यूमन इकोनॉमिक्स का भी एक कोर्स बनाया जा रहा है, उसके बहुत ही छोटे समय में, कम समय में हमने इसके मूल बात को रखा, उसको हम लोग विस्तार से अभी कोर्स में रखेंगे। उस पर भी 42 घंटों का एक कोर्स बनाया जा रहा है। आप में से जो साथी इकोनॉमिक्स में रुचि लेते हो या इकोनॉमिक्स पढ़े हो, पढ़ाए हो और उसमें भागीदारी करना चाहें, उनका स्वागत है। तो आप अपना नाम दे सकते हैं, हम लोग आपको, है ना, कनेक्ट कर लेंगे और आपके साथ मिलकर हम आगे की कुछ योजना भी बनाएंगे। जी, कई सारे कॉमेंट्स आए हैं, मैं अभी सब तो नहीं देख पाया हूँ, कुछ हैंड्स रेज हैं, उनके प्रश्न ले लेते हैं। जी भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। भैया बहुत ही बढ़िया, लेकिन जैसे शुरुआत हुई थी तो मेरा एक थोड़ा सा रॉन्ग अजम्पशन हो गया था कि इकोनॉमिक्स फॉर ऑल बीइंग, मतलब सर्व शुभ के लिए अर्थशास्त्र। तो भैया मुझे ये लगा था कि आपने जो अभी इतना पौने घंटा डिस्कस किया वो सारे फंडामेंट्स ही मेरे एकदम क्लियर हो गए, तो मेरा जो प्रश्न है वही नहीं बचा कि अर्थव्यवस्था यानी अपने आप में सुधारने के लिए, ना कि सिर्फ पैसा पैसा करके और प्रॉस्पेरिटी और पैसा को जोड़ के अगर हम दरिद्रता की ओर जाना रहे तो वो गलत है। यूएचवी के सहारे हमको सिर्फ यही देखना है कि मानवीय संबंध बढ़ जाए, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हमको करना है और उसको उत्पाद करके यूज करना है, ना कि हमको संचय करना है। जी भैया, तो ये मैं समझ गया हूँ। तो मुझे थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था, अर्थव्यवस्था कैसे अपब्रिंगिंग ला सकती है ह्यूमैनिटी का, वो आपने एकदम क्लियर कर दिया कि इकोनॉमिक्स को अपने ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, ना कि दोहन के लिए। जी भैया, इतनी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ भैया, प्लीज। जी बहुत बढ़िया भैया। हाँ सर, मैं ये कहना चाहती थी, आज मनुष्य अपना मतलब कि इकट्ठा करने के लिए पैसा, अपने श्रम भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सिर्फ दोहन दोहन करके वह अपने शरीर को भी तोड़ रहा है। जी जी, है ना, वही। तो देखिए, अभी हम शेष प्रकृति का तो शोषण कर ही रहे हैं, शरीर का भी शोषण कर रहे हैं, संबंधों का भी शोषण कर रहे हैं। जी, और फिर वही जाके पैसा बाद में दवाइयों के रूप में लगता है, बिल्कुल अच्छा उसका सदुपयोग किया जाए। यह बात देखिए, स्वस्थ रहना इतना सामान्य कार्यक्रम हो सकता है, परंतु हम बहुत ज्यादा जब सुविधा संग्रह कर लेते हैं तो उसके कारण फिर हम अस्वस्थ होने लगते हैं, उसी के कारण अस्वस्थ होने लगते हैं। जी, अगर हाँ जी, हाँ जी जी, अगर हमने बहुत बड़ी गाड़ियां ले ली और एक से अधिक गाड़ी ले ली, उसका क्या करेंगे, चलेंगे फिर, जब गाड़ियों में चलेंगे पैदल नहीं चलेंगे, जब पैदल नहीं चलेंगे पेट खराब होगा ही, स्वास्थ्य खराब होगा ही। तो स्वस्थ रहना बहुत सहज कार्यक्रम है कि नहीं, अगर हम बहुत ज्यादा साधन जुटा लें तो उससे हो सकता है कि हमारा स्वास्थ्य और बिगड़ जाए, क्योंकि हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे, सही अर्थ उपयोग नहीं कर पा रहे। सर, मैंने अधिकांश लोगों को देखा है अभी तक की मेरे उम्र के मतलब के अनुभव ने बताया कि लोग यानी कि अपना खाना पीना भी छोड़ देते हैं। जी जी, है ना, इस टाइम खाना खाते, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संग्रह करते हैं, अधिकांश बिजनेसमैन लोग, और मतलब कि यह दिखाने के लिए कि हम बहुत कुछ इकट्ठा करना चाहते, कंपटीशन भी रहता उनके बीच में। हेलो, उसी के तो समाधान की बात हो रही है कि अल्टीमेटली, है ना, हमें समाधान की ओर काम करना है और उसके लिए शिक्षा मूलभूत रूप से काम करना है, क्योंकि हम ये जो बहुत सारे गलत सिद्धांत बता देते हैं शिक्षा में, उससे बच्चा अपने आप में कंफ्यूज हो जाता है, अंतर्विरोध से भर जाता है। तो एक तरह तो सबके साथ संबंध पूर्वक जीना चाहता है, बट उसको लगता है कि अगर सबके साथ संबंध पूर्वक जिएंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, फिर तुम्हारा उत्पादन ही नहीं चलेगा, तो सबका शोषण करना जरूरी है। अब एक तरह तो संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं बट शोषण करना आवश्यक लगता है, तो किसी के साथ संबंध के साथ विरोध ये शुरू हो जाता है, समाज की व्यवस्था बिगड़ती है, संबंध भी बिगड़ते हैं। जी, है ना, इसलिए हम संपूर्ण समाधान की बात कर रहे हैं कि मानव को समझे बगैर, मानव के लिए कोई भी योजना बनाएंगे, कोई भी शास्त्र बनाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, बेसिक गलतियां हो जाएंगी। जी भैया नमस्ते। भैया नमस्ते।
जी भैया, मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं फ्रूट्स लेने गई, तो एक फ्रूट्स वाला अब बताता है कि ये वाले फ्रूट्स ठीक नहीं है, मैडम आप ये वाले मत लीजिए, ये पुराने हैं और आप ये लीजिए। और जब उसने उसी भाव में मुझे वो अच्छे वाले दिए, तो मैंने घर आकर उसकी घर वालों से भी बात की कि कितना अच्छा है। थोड़ा संक्षेप में रख लीजिएगा, कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। जी, तो मैं यही बोल रही हूँ कि जब देन देन के भाव में रहते हैं, संबंध के भाव में, तो स्वाभाविक है कि वो जरूर उसको 2 रुपए का या 3 रुपए का नुकसान हुआ होगा, लेकिन जब उसने देन देन के भाव में, संबंध के भाव में मुझे फ्रूट दिए, तो मेरे अंदर भी वो भाव आए और ऑटोमेटिक उसका उत्पादन, क्योंकि 4 लोगों को मैंने बताया तो 4 लोग भी उसके यहाँ जाएंगे, और मैं अन्य फ्रूट्स वाले के ना जाके उसी के यहाँ जाती हूँ, क्योंकि उसने मुझे एक संबंध के भाव में सही फ्रूट्स दिए। तो स्वाभाविक है, जब संबंध के भाव में हम उत्पादन या वितरण या उपभोग करते हैं, तो हमारे पास देन देन का जो भाव होता है, उससे संबंध भी स्थापित होते हैं और हमें लाभ में भी रहते हैं। जी भैया नमस्ते, एक बस ब्रीफली बताऊंगी। अभी स्टूडेंट्स जैसे पढ़ाई करके बाहर भी पढ़ने जाना चाहते हैं, तो आज ही मैं आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय डॉटर, शी सेड बाहर जाने से मम्मी ये कोर्स करूंगी तो 80 लाख का फीस दिखा रहा है, तो मैं बोली, तो बिकॉज मुझे पता है कि खुशी कंटिन्यूस हैप्पीनेस या हार्मनी ये इससे नहीं हुआ करके, मुझे थोड़ा सा एक साल से थोड़ा समझ में आने लगा, तो मैंने कहा जो भी अपन थोड़ा बहुत इधर उधर पैसे बचाए हैं, वी कैन यू नो गिव यू अ लिटिल स्मॉल सपोर्ट, वी कैन गिव, यू कैन टेक लोन, बट देन ये सब होने के बाद यू नो द जर्नी विल स्टिल नॉट बी कम्प्लीटेड, यू विल हैव टू अगेन स्टार्ट वॉन्टिंग टू बी एट पीस, वॉन्टिंग टू बी हैप्पी, तो वो तो चलेगा करके, तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे कम से कम ये बता पाई, क्योंकि मुझे पता था कि इतने तो पहले सोचते हाँ ये पढ़ लिया उसके बाद बाहर पढ़ लिया फिर डिग्री आ गया बस खुश, ऐसे नहीं है करके मुझे, मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे पता है और मैं उसको बता पाई, कितना निकलेगा इससे मुझे मालूम नहीं, बट आई वाज एटलीस्ट आई कुड टेल शेयर दिस स्मॉल थिंग दैट आई न्यू। बहुत बढ़िया दीदी जी, ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दों पे हम जब क्लैरिटी दे पाते हैं तो हम बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाते हैं। हाँ भैया बढ़िया दीदी।